हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रेड माइंड के डेटा कलेक्शन वाले मॉड्यूल के कोड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए डेटा कलेक्शन मॉड्यूल के रिपोजिटरी को खोल लेते हैं। इसमें मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए हम लोगों ने विकिपीडिया से हॉलीवुड और बॉलीवुड के मूवीज़ का डेटा स्क्रैप किया था। तो देखते हैं पहले बॉलीवुड का डेटा कैसे स्क्रैप किया था। यहाँ पे हम लोग पांडास, BS4, ब्यूटीफुल सूप और वीआरएल लिब और साथ ही फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया था। फाइल्स इसलिए इंपोर्ट किया था क्योंकि हम लोग ये कोड गूगल कोलैब पे कर रहे थे, तो वहाँ से जो भी फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे फाइल्स का यूज़ किया था हम लोगों ने। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कलेक्ट नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें हम लोग जिस रेंज के जिस ईयर रेंज के मूवी का हमको डेटा चाहिए था, 2007 से 2021 के बीच का हमें चाहिए था, तो उस पर एक लूप लगा दिया हम उस रेंज पे। और एक एक ईयर यहाँ से निकलता गया और उसके बाद यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके हम यहाँ इस कलेक्ट फंक्शन को पास कर देते हैं। फिर तो उसके बाद यहाँ पे एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना है और उसके बाद यहाँ पे एक लिंक है। रुके, मैं इस लिंक को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये लिंक क्यों लगाया गया है। देखिए, इस लिंक के लास्ट में जो हमारा ईयर जो पास हुआ था उसको मैंने यहाँ पे कॉन्केटनेट कर दिया है, लास्ट में ये अपेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये लिंक है, उसके बाद मैं 2020 लगाता हूँ तो ये 2020 मूवीज़ का जो भी डिटेल वाला पेज है विकिपीडिया का वो ओपन हो जा रहा है। अगर यहाँ पे वही मैं अगर 2019 कर दूँ तो 2019 के मूवीज़ के डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा विकिपीडिया का। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हमें यूआरएल मिल गया है। अब हम उस यूआरएल को यूआरएल लिब से एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं और जो भी उस पेज का सोर्स कोड होता है उसको एक सोर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ब्यूटीफुल सूप से उस सोर्स कोड को ब्यूटीफाई करते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ब्यूटीफुल सूप के फाइंड ऑल मेथड का यूज करके उस सोर्स कोड में देखते हैं कहाँ पे टेबल नाम का टैग है और उस टैग का क्लास विकी टेबल है। ऐसा वाला जो भी टैग होगा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। जैसे कि ये टेबल है हमारा, मैं किसी एलिमेंट पे अभी टेबल के क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टेबल टैग है और टेबल टैग में एक विकी टेबल नाम का क्लास है। तो इस पर जब भी मैं माउस को हावर कर रहा हूँ तो देखिए पूरा टेबल सेलेक्ट हो जा रहा है। तो हमें इसी टेबल का डिटेल्स चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे टेबल जितने भी हैं फाइंड ऑल कर लिया, जितने भी टेबल उस पेज पे हैं जो टेबल टैग है जिसका और उसके बाद विकिपीडिया विकी टेबल क्लास नेम है, तो ऐसे क्लास वाले सारे टेबल को सेलेक्ट करके एक टेबल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, टेबल्स नाम के वेरिएबल में। उसके बाद फिर उन सारे टेबल्स में से एक एक टेबल निकालता गया। उसके बाद फिर उसको एक एम्प्टी जो डेटा फ्रेम हम लोगों ने बनाया था उसमें रीड HTML फंक्शन का यूज़ करके पांडास के एक उस टेबल के रिकॉर्ड को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया था। उस फिर रिकॉर्ड को हम उस एम्प्टी डेटा फ्रेम में अपेंड करते गए। तो जितने भी टेबल थे वो सारे टेबल का रिकॉर्ड पहले रीड HTML फंक्शन से पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा और फिर उस डेटा फ्रेम को अपेंड कर दिया जाएगा अपने खाली डेटा फ्रेम में। उस डेटा फ्रेम में ऐसे ही अपेंड करते जाएंगे, सारे टेबल का रिकॉर्ड इस डेटा फ्रेम में अपेंड हो जाएगा। और उसके बाद अपेंड होने के बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग में एम्प्टी डेटा फ्रेम था उसमें अब सारे टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे एज ए डेटा फ्रेम में इम्पोर्ट कलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा फ्रेम को DF.2 CSV का यूज करके हम लोग उसको एक CSV फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फाइल्स का यूज करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जितने भी बार उस कलेक्ट फंक्शन को कॉल किया है तो ये सारे रिकॉर्ड को वो डाउनलोड कर देगा, जैसे कि जिस ईयर के लिए बोला गया है उस ईयर का वो रिकॉर्ड डाउनलोड कर देगा। तो हम लोगों ने जितने बार बोला गया है वो उतनी बार वो फंक्शन कॉल हुआ है और वो उस ईयर के मूवी का सारा रिकॉर्ड डाउनलोड करके हमें एक CSV फाइल में दे दिया है। जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं वो CSV फाइल कहाँ है, जैसे ये सारी CSV फाइल जो दिख रहे हैं वो सब उसी से डाउनलोड हुए हैं। जैसे मैं एक एक CSV फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, तो देखिए इस CSV फाइल में टाइटल, डायरेक्टर और कास्ट
और जितने भी मतलब उस टेबल में जो भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो गए CSV फाइल में। तो ये था हमारा बॉलीवुड का। इसी तरह सिमिलर मैनर में हम लोगों ने हॉलीवुड का भी किया है। हॉलीवुड में भी वही सेम सब कुछ सेम है। हॉलीवुड का भी वही सेम सेम फंक्शन है। बस हम लोगों ने यहाँ पे 2018 से 2021 तक का मतलब रिकॉर्ड निकाला है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हॉलीवुड के डेटा में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे जनरा। तो हम लोग को जनरा चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, TMDB का एक API है उसका यूज करके हम लोग मूवी का जनरा निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नमपाई पांडास और TMDB के API वाले लाइब्रेरी को और साथ ही जेसन और रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद ये TMDB का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसके API की वाले एट्रीब्यूट में हम लोगों ने अपना जो TMDB के API को एक्सेस करने के लिए जो की हम लोग को मिला था उसको यहाँ पे असाइन कर दिया है। उसके बाद मूवी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है गेट जनरा, और इस गेट जनरा में क्या किया है, एक जनराज नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बनाया है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मूवी यहाँ पे इस फंक्शन में पास होगी उस मूवी को यहाँ पे सर्च किया जाएगा। उसके बाद जो भी सर्च रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में से हम लोग मूवी का ID निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मूवी ID नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल से जो भी API की जो लिंक है हमारी उस पर हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रखा है। तो इसमें क्या होगा, जो पहला वाला ये ब्रैकेट है उसमें क्या चला जाएगा हमारा, उसको रिप्लेस करके हो जाएगा मूवी का जो ID होगा, और दूसरी जगह हो जाएगा हमारा जो TMDB का जो API है वो। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मूवी का ID है वो आ गया है, और उसके बाद जो हमारा जो API को एक्सेस करने का की था वो है। तो उसके बाद फिर क्या है, तो उस रिजल्ट में जो है जेसन रिजल्ट में हमारा एक जनराज नाम का एक एरे है। तो इस एरे में क्या है, वो मूवी जिस जनरा की है मतलब ये मल्टीपल जनरा अगर उसमें है तो एक एरे है, तो उसमें से जितने भी जनरा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एरे में से जो भी जनरा है उसको एक फॉर लूप लगा के सब सब सारे जनरा को निकाल के हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अपेंड कर दे रहे हैं इस जनरा वाले लिस्ट में। ये कोड तभी चलेगा जब यहाँ पे कोई जनरा वाला ये हमारा एरे होगा अगर रिजल्ट में, तभी चलेगा। अगर नहीं होगा रिजल्ट में तो नहीं चलेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा जनरा वाला लिस्ट है उसमें जो भी जितने भी जनरा अगर अपेंड हुए हैं लास्ट में उस लिस्ट को ज्वाइन कर दे रहे हैं ताकि वो एक स्ट्रिंग बन जाए। तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है कि जो हमने रिक्वेस्ट किया है उसके जेसन रिजल्ट में यहाँ पे जनरा आया ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे अभी एक सेकेंड में दिखाता हूँ कोई ऐसा केस, जैसे अगर यहाँ पे मतलब कोई किसी वजह से फेल हो जाता है तो वो जनरा वाला हमारा एरे आएगा ही नहीं। तो उस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, उस केस में हमारा नंपाई का नैन मतलब कि जो एम्प्टी वाला है नल वैल्यू वो पास रिटर्न हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले इससे पहले स्टेप में जो वेब स्क्रैपिंग से हमने हॉलीवुड का जो भी मूवी का डेटा निकाला था और तो 2018 का जो है उसको इम्पोर्ट किया है यहाँ पे मतलब उसको रीड किया है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किया है, उसमें देखा है जो भी मतलब काम का कॉलम नहीं था उस सब कॉलम को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। तो हमारा जो भी काम का कॉलम था उसको रखा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जनराज वाला जो कॉलम है उसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने गेट जनरा वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस डेटा फ्रेम में जितने भी मूवीज़ हैं उनका टाइटल उठाया जाएगा और उस टाइटल को यहाँ पे पास किया जाएगा इस फंक्शन में। फिर उसके बाद जो भी इसके अंदर का कोड है वो क्या करेगा, वो उस मूवी को सर्च करेगा, उसके बाद उसकी ID निकालेगा, फिर उस ID को फिर क्या करेगा, API पे कॉल करेगा। फिर API से जो जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से जो भी हमारा जनरा वाला रिजल्ट अगर है तो उस रिजल्ट में जितने भी जनरास हैं उन सबको एक लिस्ट में अपेंड कर देगा। उसके बाद फिर उस लिस्ट को
एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ज्वाइन कर देगा सारे जनरल्स को। फिर उसके बाद वो जो हमारा जो लिस्ट से जो हमारा जनरल्स का स्ट्रिंग जनरेट हुई है ज्वाइन करने के बाद, वो यहाँ पे उस मूवी के टाइटल के लिए असाइन हो जाएगी एक जनरल्स वाले कॉलम में। तो ऐसे करके हमारा 2018 की मूवीज़ का सारा जो भी जनरल्स है वो वहाँ पे निकल जाएगा। इसी तरह हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा जब हमारा ये सारा सारे टाइटल के लिए कॉल हो जाता है ये फंक्शन, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उसको सेव कर लेते हैं एक CSV फाइल में। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको सेव कर लिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ऐसे ही 2019 की डेटा के साथ करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, 2019 का भी जब हो गया तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 2018 और 2019 दोनों दोनों डेटा को एक ही डेटा फ्रेम में पेंड करके एक ही डेटा फ्रेम बना दिया, और उस डेटा फ्रेम को हम लोग फिर 2 CSV में सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा जो फाइनल आउटपुट फाइल है जिसमें हमारा 2018 2019 का जो भी डेटा है वो यहाँ पे सेव होके मिला है। तो देखिए जो ये हमारा लास्ट वाला जो फाइल है वो हमारा ये इस नाम का फाइल है। तो वो इस नाम का जो फाइल है 2018-19 फाइनल CSV, वो फाइल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो वो फाइल यही है, इसमें हमारा जो भी डिटेल्स है सारी चीज़ें हैं। ये जनरल हम लोगों ने TMDB के API से निकाला है, बाकी सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आ रही थी, वेब स्क्रैपिंग होके विकिपीडिया से आ रही थी। ये हमारा ये कोड है, तो ये हमारा वेब स्क्रैपिंग वाला मॉड्यूल था। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग वाले पार्ट के बाद हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए एक मॉडल बना रहे थे, तो उसका एक डेटा फ्रेम हम लोग को, अरे डेटा हम लोग को कहीं से मिल गया था। तो उसका ये डेटा जो था उसमें टैब करके था, तो ये डेटा भी थोड़ा सा मतलब बीच में CSV फाइल थी लेकिन बीच में यहाँ पे टैब लगा था कॉमा की जगह। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग पांडास से रीड कर लिया और यहाँ पे जो सेपरेटर है उसको टैब कर दिया, स्लैश टी कर दिया। तो उसके बाद उसका कॉलम भी चेंज कर दिया। फिर उसी को हम लोगों ने क्या कर लिया, एक CSV फाइल में सेव कर लिया। तो उस CSV फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ये रही वो CSV फाइल। तो अब ये .CSV फाइल में है, तो अब हमारा सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है। तो अब इस पे आगे नेक्स्ट वाला मॉड्यूल जो है मशीन लर्निंग मॉड्यूल, उसमें हम लोग इस डेटा का यूज़ करके मशीन लर्निंग का कोड तैयार करेंगे। तो बस यही था।